हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेट नंबर 15 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस पे हमारे 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए, आप लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 99 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल रही है। तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। सामुद्रिक वर्षावन किसे कहते हैं? प्रवाल को। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है कि हिमालय के किससे भाग में हम करेवा के निर्माण को पाते हैं? करेवा के निर्माण को पाते हैं हिमालय के किस भाग में? कश्मीर हिमालय में। करेवा मिट्टी जो कि हिमालय, कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूर्थ निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है? यूर्थ जो है वो किस प्रजाति का घर होता है? तो खिरगी जनजाति यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित किया जाता है किस घटक को? तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, इन सभी को शामिल किया जाता है। यानी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि अवमूल्यन के उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो 1949 में सर्वप्रथम हुआ, उसके बाद 1966, तीसरी बार 1991 में दो बार हुआ था, तो सबसे पहली बार 1949 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस बैंक की स्थापना 1985 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा टर्की, जिसको तुर्की के नाम से जानते हैं। यानी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। ऑप्शन डी शिवालिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विंध्याचल पर्वत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर भाग को दक्षिण भाग से अलग करता है, यानी उत्तरी भारत को दक्षिणी भाग से अलग करता है। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सतलज और सिंध के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और सिंध के बीच जो हिमालय है उसे हम लोग पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। जो कुमाऊँ हिमालय है इसे हम लोग सतलज और काली के मध्य रखते हैं। नेपाल हिमालय किसके बीच आता है? काली और तीस्ता के मध्य। और असम जो हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच आता है। अगला क्वेश्चन, बरकान जो स्थलाकृति है इसका संबंध है? बरकान स्थलाकृति का संबंध किससे है? मरुस्थल से। मरुस्थल ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि सतपुड़ा के पहाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो होता है कि धूपगढ़ होता है, और ये महादेव पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत के पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तन बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ऑप्शन सी खुसरो समिति ने। खुसरो समिति सी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड। नाबार्ड ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया, उड़ीसा में महानदी पर। सी करेक्ट होगा।
मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? सी करेक्ट आंसर है चक्रवातों की शक्ति। चक्रवातों की शक्ति ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि तुलाल जो है वो किस राज्य का एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? तुलाल, तुलाल का संबंध हो जाएगा केरल से। तुलाल केरल से। अलेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? अलेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ऑप्शन बी केरल, केरल के तट पर स्थित है अलेपी बंदरगाह। नेक्स्ट वन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच इस पुस्तक को लिखा गया है डी एम स्मिथ ने। गारो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो इसका निर्माण हुआ था, किस तरह से हुआ? अंध भ्रंश के द्वारा हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित थी? वित्तीय समावेशन से संबंधित थी कौन सी समिति? तो रघुराजन समिति, रघुराजन समिति ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जो योजना है वो आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं की गई थी? ध्यान दीजिएगा, नहीं शुरू की गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें चारों ऑप्शंस को तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के स्टार्ट की गई थी, तो सी यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए पेपर गोल्ड शब्द का उपयोग किया जाता है? पेपर गोल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जो IMF की मुद्रा है, IMF का जो मुद्रा है वो इसको SDR के नाम से जानता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इसी को पेपर गोल्ड कहा जाता है, पेपर गोल्ड ऑप्शन डी। जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी पशु और पौधों के लिए, पशु एवं पौधों के लिए ऑप्शन बी। मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी किस भाषा से? मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से? अरबी भाषा से, अरबी भाषा से। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन है कि बुशमैन होटेंटाट, बुशमैन होटेंटाट प्रजाति संबंधित है। तो बुशमैन कलहारी मरुस्थल से संबंध रखते हैं जो कि ये निग्रोइड प्रजाति से थे। ठीक है, निग्रोइड ऑप्शन ए। समानता इनमें से कौन सब जो कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है? सामान्यतः परतदार चट्टानों में सबसे जो ज़्यादा जहाँ मिलता है वो है आपका सिलिका। सिलिका करेक्ट होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें मणिपुर नहीं आता, मणिपुर करेक्ट होगा, इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की फ्लेसर जो निक्षेप पाए जाते हैं, फ्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं कहाँ पे? जलोढ़ पंखों और घाटी तल पर, जलोढ़ पंखों और घाटी तल पर ऑप्शन ए। रूस के ग्रामीण जो अधिवासी यानी कि सामूहिक जो फार्म है इसको क्या कहते हैं? रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक फर्म को क्या कहते हैं? इसे सोवखोज के नाम से जाता है, सोवखोज ऑप्शन सी। हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से अभिप्राय है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, उच्च उत्पादक जो वैरायटी प्रोग्राम से सी करेक्ट होगा। क्राल बस्ती जो है वो संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है क्राल बस्ती? क्राल बस्ती का संबंध मसाई जनजाति से होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मसाई जनजाति। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका अनाईमोडी होगा, अनाईमोडी ऑप्शन बी। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? तो डी बिल्कुल सही आंसर, डी यहाँ पे नहीं, सॉरी यार, ऑप्शन सी होगा, बैरोज ने। ठीक है, बैरोज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी।
भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में वर्णित किया था बैरोज ने। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कॉपरनिकस के द्वारा, ऑप्शन डी कॉपरनिकस। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी अपने उपसौर और अपसौर को तो पढ़ा ही होगा, उपसौर अपसौर में जो कि एक होता है 3 जनवरी, एक होता है 4 जुलाई। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी होता है वो 4 जुलाई को होता है अपसौर के दिन, यानी बी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में, 1884 सी करेक्ट होगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या होगा? तापमान वृद्धि दर क्या होता है? सी करेक्ट होगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, सी आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतु में परिवर्तन का जो कारण होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, और एक होता है आपका घूर्णन गति जिसको रोटेशन कहते हैं, उसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर ही करता है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो बनी चट्टान होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है, अग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जो डाउन्स होता है वो ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो का संबंध तंजानिया से होगा, ऑप्शन बी। तंजानिया की राजधानी क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी तक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन अच्छा है। तंजानिया की राजधानी जल्दी से कमेंट करके बताइए। लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है, इसका हम कह सकते हैं लैब्राडोर एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कहाँ स्थित है? विनिपेग पड़ता है कनाडा में, कनाडा में गेहूं, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से ये फेमस है, कनाडा में विनिपेग। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोसीयुस्को जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बी को टिक करेंगे। अब आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का एम रखते हैं 323 लाइक्स, और आशा करते हैं कि आप लोग डेफिनेटली इसको कंप्लीट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविख्यात खान जो कि कालगुरली और कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख खाने हैं, खदान है, तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के उत्पादन के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।